गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एथनिक लुक्स। एंड इन लुक्स में मैंने अलग क्या किया है कि मैंने कहीं पे भी दुपट्टे कैरी नहीं किए हैं, मैंने दुपट्टों को स्विच किया है शॉल से। तो मैंने इस तरीके से लुक किए हैं कि अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है, काफ़ी सारी वेडिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे फंक्शन अटेंड करने होते हैं, तो इनकेस उस टाइम पर आपको अच्छा भी दिखना है बट एट द सेम टाइम ठंड से भी बचना है, तो आप ये लुक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने कौन कौन सी शॉल यूज़ करी है और किस तरीके से वो लुक क्रिएट किया है। एंड कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत ही फोर्सफुली शॉल को ऐड किया है, मतलब ऐसा लगेगा कि आपके आउटफिट का ही वो पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जो सबसे पहली शॉल है वो ये है, रेड कलर की शॉल है एंड इसमें बेज कलर का वर्क है। तो इस शॉल के साथ मैंने पेयर किया है एक टील ब्लू कलर का कुर्ता सेट, आप देख सकते हैं पिक्चर में सोबर सा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। और ज्वेलरी में एक्सेसराइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हुए हैं, बिग इयररिंग्स पहनी है, बहुत ज़्यादा और कुछ एक्सेसराइजेशन नहीं किया, हाथों में कुछ नहीं पहना है, गले में कुछ नहीं पहना है, सिर्फ बड़े से स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं एंड दैट्स इट। और आप देख सकते हैं लुक मुझे काफ़ी प्रिटी लगा, आप भी मुझे बताना आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अगला जो लुक मैंने क्रिएट किया है वो इस शॉल से किया है, आप देख सकते हैं पिंक कलर की फूशिया पिंक कलर की शॉल है और इसमें कहीं कहीं पे एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है यहाँ पे पिंक और गोल्ड कलर में, और बस यहाँ पे ना नीचे बॉर्डर दिया हुआ है जो इसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी बनाता है। तो मैंने इसके साथ जो लुक किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉडर्न काइंड ऑफ लुक किया है। मैंने इस लुक में पहना हुआ है एक ब्लैक कलर का टॉप विथ पफ स्लीव्स और वाइड नेक लाइन और उसके साथ पेयर किए बेज कलर की नेट स्कर्ट। मैंने शॉल को अपने एक शोल्डर पे लिया है और दूसरी तरफ वेस्ट के पास उसे पिन कर दिया है ताकि आप मतलब कंफर्टेबल रहो, क्योंकि पूरी शॉल ओपन है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर पे पिन लगाया है और दूसरा अपने वेस्ट के पास शॉल में पिन लगाया है। एंड इसमें एक्सेसराइजेशन के लिए मैंने पहना हुआ है चोकर नेकलेस, मैंने पर्ल चोकर नेकलेस पहना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें पिंक और ग्रीन कलर में मीनाकारी काम भी है, तो एक पिंक कलर इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है अच्छे से शॉल के साथ। तो इस तरीके से मैंने लुक किया है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सटल सा लुक लगा, आप भी बताना आपको कैसा लगा ये। सो फ्रेंड्स, अगली मैंने ये शॉल ली है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की शॉल है, पूरा मतलब ऑल ओवर वर्क है इस शॉल पे एंड आप देख सकते हैं इसमें सीक्वेंट वर्क भी है, तो सीक्वेंट वर्क की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत ही ट्रेडिशनल अच्छा सा लुक दे देती है ये शॉल। एंड मैंने इस शॉल के साथ लास्ट ईयर एक प्रॉपर वीडियो किया था साड़ी के साथ, आई थिंक 3 से 4 तरीके से मैंने साड़ी के साथ इस शॉल को पेयरअप किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको साड़ी के साथ देखना है कि शॉल को कैसे स्टाइल करना है। तो इस बार मैंने शॉल को पहना है एक ब्लैक कुर्ते के साथ, मैंने शॉर्ट कुर्ती पहनी है जिसमें फॉयल प्रिंट है, उसके साथ मैंने पेयरअप किया है ब्लैक सॉलिड प्लाजो, बस प्लाजो में नीचे मोरी पे गोटा लगा हुआ है और उसके थोड़ा सा ऊपर गोटे का काम है बस, तो सॉलिड प्लाजो के साथ ब्लैक प्रिंटेड कुर्ती पहनी है मैंने, शॉर्ट कुर्ती है, उसके साथ मैंने बस सामने से इस शॉल को लिया हुआ है एंड आप देख सकते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक लगा। एंड इसके साथ अगेन मैंने हैवी झुमके पहने हैं और बैंगल्स पहनी है अगेन रस्ट और कंबाइन करके कुंदन के कड़ों के साथ। गाइस, अगली जो शॉल मैंने यूज़ करी है वो ये है ब्लू कलर की शॉल एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक शॉल है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा ये काफ़ी सारे कलर्स हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर है, मस्टर्ड कलर है, मरून कलर है, तो मैंने क्या किया एक मरून कलर की एथनिक स्कर्ट है, मरून कलर की स्कर्ट पहनी मैंने जिसमें नीचे गोटे का काम है, सिल्वर कलर में है, तो उसके साथ मैंने शॉल को कैरी किया और ऊपर मैंने क्रॉप टॉप पहना था ब्लैक कलर का और सिर्फ गले में इस शॉल को इस तरीके से गले में करके रैप, जैसे गले पे दुपट्टा लेते हैं या स्टोल लेते हैं उस तरीके से मैंने इस शॉल को कैरी किया। एंड गाइस, इस लुक को एक्सेसराइज किया है मैंने बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी के साथ, बड़े से सिल्वर इयररिंग्स पहने हैं, सिल्वर बैंगल्स पहनी है एंड दैट्स इट, मैंने इस लुक को इस तरीके से किया है। एंड फ्रेंड्स, जो लास्ट लुक मैंने किया है वो इस शॉल के साथ किया है, आप देख सकते हैं ये अगेन रेडिश मरून या रस्ट मरून आप बोल सकते हैं उस तरीके की शॉल है और पूरी शॉल में कशीदा वर्क किया हुआ है। तो इस शॉल को मुझे मतलब ये शॉल अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रिटी थी कि मुझे था कि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और सोबर रखना है मुझे। तो मैंने बस क्या किया, एक अनारकली कुर्ता पहना है यहाँ पे और नीचे पेयर किया है हैवी फ्लेयर्ड प्लाजो जो उसको मतलब काफ़ी हैवी लुक दे रहा है। एक्सेसराइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे हैवी बड़ा सा मांगटिका पहना है और साथ में गोल्ड मेटल बैंगल्स पहनी है, उन्हें पेयर किया है कड़ों के साथ और मैंने पूरे शॉल को प्रॉपर तरीके से ओढ़ा हुआ है, जैसे प्रॉपर आप शॉल को लेते हो कैरी करते हो उस तरीके से मैंने बस शॉल को ओढ़ लिया है, बस मैंने इतना किया है इस लुक में और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। सो गाइस, दैट्स इट, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आप मुझे बताना आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।